गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपको आज कुछ मैथ के बारे में बताते हैं, जनरल बातें जैसे नेचुरल नंबर एंड से नोट करते हैं। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3 अप टू इनफिनिट। जो 1 से स्टार्ट हो वो क्या बोलेंगे? नेचुरल। नेचुरल नंबर के बाद आता है डब्ल्यू, होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफिनिट। तो देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। मैं एक बढ़ाता हूं यहां एवरी होल नंबर इज नेचुरल। मैं पूछ रहा हूं ट्रू फॉल्स के बारे में, इनमें से कौन सा स्टेप ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो स्टार्टिंग वाले बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। तो पहले डालेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से बताया मैंने 1 2 अप टू इनफिनिटी। एंड होल नंबर कौन से हैं? जो 0 स्टार्ट हो, 1 2 3 अप टू इनफिनिटी। तो ये बोल रहा है कि सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो देखिए ये हमारे सभी के सभी इसके अंदर है। हाँ है। क्या है? 1 2 3 4 अप टू इनफिनिटी। 1 2 3 4 अप टू इनफिनिटी इसके अंदर है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप में पूछ रहा हूं मैं एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर, होल नंबर कौन कौन से हैं? 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 अप टू इनफिनिटी। नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1 2 3 अप टू इनफिनिटी जाएगा। तो देखिए इसमें ये सारे एक्सर नंबर क्या नेचुरल नंबर में है? 1 2 3 अप टू इनफिनिटी तो है, लेकिन ये 0 नहीं है। यानी कहां आ गया समझ? एवरी होल, कैसे बता गया? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या आ जाएगा आपके पास? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो कम्युनिटी एग्जाम में आ भी जाए नेचुरल नंबर होल नंबर, जैसे पूछा जाता है कि एवरी इंटीजर इज ए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ट्रू या फॉल्स है इसके आधार पर पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो चुका आपका, इसके बाद आएगा इंटीजर। जैसे नोट करेंगे इसको इंटीजर नंबर। तो इंटीजर कौन कौन से होते हैं? नेगेटिव एंड पॉजिटिव विद जीरो के साथ जो है, जैसे 0, 1, 2, 3। तो देखिए इसके अंदर 1, 2, 3 आपको इंफिनिटिव क्या दे रही है? नेचुरल नंबर दे, पॉजिटिव वाले नंबर आएंगे। और नेगेटिव वाले क्या आएंगे? -1, -2, -3, -4 अप टू इंफिनिटी। ये क्या आ जाएंगे? नेगेटिव नंबर है। ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है। और आपके पास एक नंबर और भी है 0। तो 0 कैसा नंबर है? 0 नहीं पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव है। 0 कैसा है? न्यूट्रल है। 0 के ऊपर कोई भी साइन नहीं होता। इसके आगे हम कभी भी लिखते नहीं पॉजिटिव लिख सकते, नहीं नेगेटिव लिख सकते। ये कैसा है? न्यूट्रल है। 0 - 2 - 0 क्या आएगा? 2 ही आएगा। 2 + 0 क्या आएगा? 2 आएगा। तो देखो इस पे नए प्लस किया तभी तक नहीं पढ़ा, माइनस किया तभी तक नहीं किया, प्लस किया तभी तक नहीं पढ़ा और माइनस किया तब भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो देखिए कैसा नंबर है? ये न्यूट्रल है। ठीक है ना? तो इंटीजर क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर विद अ जीरो के साथ जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, अब तक मैंने पूछा था ट्रू फॉल्स में, इसमें पूछा जाएगा ट्रू या फॉल्स एवरी
नेचुरल नंबर इज ए एंटिटी. एवरी होल नंबर इज ए एंटिटी. मैंने यहां पर पूछा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर. देखिए एवरी नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी. इंटीजर बताया था नेगेटिव में आए, पॉजिटिव में आए, अप टू इंफिनिटी क्या है सभी इंटीजर है. तो क्या आ जाएगा आपके पास ये ट्रू आ जाएगा. एवरी होल नंबर, होल नंबर कौन से हैं, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 किसमें होते हैं, इंटीजर में होते हैं. ये क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा. लेकिन यहां पूछा जाए एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल या एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर. तो देखिए इसके अकॉर्डिंग एवरी इंटीजर, इंटीजर कौन कौन से हैं, 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी, और इसमें माइनस वाले टर्म आ जाएंगे आपके पास अप टू नेगेटिव के अंदर इंफिनिटी. ठीक है, तो देखिए ये सारे सारे होल नंबर कौन से होते, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी. तो देखिए 1, 2, 3 तो है लेकिन सभी के सभी नहीं है. यहां क्या आ गया, एवरी से बता गया सभी के सभी, सभी के सभी नहीं है. तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये फॉल्स आ जाएगा. इसी प्रकार से एवरी इंटीजर से होल नंबर क्या आ जाएगा, 0 हो सकता है जाएगा नेचुरल नंबर के आगे, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी. ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा. तो किसके अंदर नाइन नेचुरल नंबर तो आएगा हमारे पास, इसमें नाइन नंबर सभी के सभी नहीं है, क्या है होल नंबर सिर्फ ये वाले नेचुरल नंबर, ये वाले सभी के सभी नहीं है. तो क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा, ये वाला भी और ये वाला. ठीक है, उसके बाद आता है इंटीजर के, इंटीजर के ऊपर यदि ये साइन आ जाए डेट प्लस, तो इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर. क्या मतलब इसका, पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं, जो जीरो के बाद जो स्टार्ट हो रहे हैं नंबर, कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी. ठीक है, उसके बाद आता है जेड नेगेटिव. जेड इज इंटीजर, नेगेटिव मतलब माइनस वाले का, इसका मतलब क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर. कई बार लिखा जाता है एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस और एक्स बिलोंग्स टू माइनस. देखिए बिलोंग्स टू का शब्द जो आता है वो प्लस वन प्लस टू वाले बुक में आता है. ठीक है ना, और ये जो तो ये तो नॉर्मली है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, लेकिन बता रहा हूं मैं इसके अनुसार कि कई बार आता है एक्स बिलोंग्स टू जेड, इसका मतलब है एक्स की जो वैल्यू है वो किस में बिलोंग्स करती है, इंटीजर के अंदर बिलोंग्स करती है. यहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. लेकिन जो यहां जो शब्द आ गया लिखा आपके पास जेड प्लस, जेड प्लस का मतलब क्या है, ओनली पॉजिटिव नंबर. यहाँ नेगेटिव आपके पास एक्स में नेगेटिव नहीं आ सकती है, नेगेटिव में आ भी जाए तो नेगेटिव ऑफ वन सभी माना जाएगा आपके पास, नेगेटिव हो जाएगा वन. ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू जेड माइनस, जेड माइनस का मतलब क्या है आपके पास, नेगेटिव नंबर. यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एक्स की वो ओनली नेगेटिव वाली मानी जाएगी, नहीं पॉजिटिव वाली. पॉजिटिव वाली आ जाएगी तो हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे, यानी वो मानना है नहीं हो गया. तो पता चल गया आपको क्या बताया गया है, नेचुरल नंबर जो वन से स्टार्ट हो, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी. डब्लू होल नंबर जो जीरो स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3 अप टू
इन्फिनिटी। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर में क्या क्या होता है? पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर विद जीरो, क्योंकि जीरो क्या होता है आपके पास? न्यूट्रल नंबर होता है, उसमें कोई साइन नहीं होता, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। उसके बाद आता है जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब क्या बताया गया हमने? पॉजिटिव इंटीजर। और जेड माइनस का मतलब क्या बताया गया है? नेगेटिव इंटीजर। जो माइनस भी जो क्रम होते हैं आपके पास, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, अप टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद आता है रेशियो नंबर। रेशियो नंबर को क्या उसे नोट किया जाएगा? रेशियो नंबर को क्या उसे डिनोट किया जाएगा? क्या क्या है रेशियो नंबर? रेशियो नंबर का डिनोट क्या बताया गया है? जो पी अपॉन क्या की फॉर्म में हो बट क्या नोट इज इक्वल टू जीरो, क्या की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन क्या है? रेशियो नंबर है। टू भी रेशियो नंबर है। टू बाई थ्री भी रेशियो नंबर है। तो कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि रेशियो नंबर कौन सा होगा, तो सोचते हैं जो पटे वाले फॉर्म में हो, यानी अपॉन वाली फॉर्म में हो, पी अपॉन क्या की फॉर्म में हो आपके पास, क्या पी क्या की फॉर्म में है आपके पास? टू बाई थ्री। तो बच्चे सोचते हैं ये टू बाई थ्री जो टू है नंबर, ये पी अपॉन क्या की फॉर्म में नहीं है। देखिए टू भी पी अपॉन क्या की फॉर्म में है, टू क्या है सकते हैं, टू बाई वन क्या होता है, टू ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो पी अपॉन है क्या हो, पी कितना आपके पास टू है, और क्या कितना है वन है। तो देखिए आप हो गया ना, इसी प्रकार से पी अपॉन है क्या की फॉर्म में पी कितना है टू है, क्या कितना है थ्री है, बट क्या इज इक्वल टू जीरो। तो क्या है? वन भी रेशियो नंबर है, टू भी रेशियो नंबर है, टू बाई थ्री भी रेशियो नंबर है। और अब संख्या वाले को मान लो माइनस टू बाई माइनस टू पॉइंट थ्री, माइनस टू पॉइंट थ्री ये भी रेशियो नंबर ही है। क्यों? पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा आपके पास? टेन आ जाएगा, क्योंकि भी पॉइंट के बाद है एक अक्षर आपके पास, ठीक है, ट्वेंटी थ्री बाई टेन। तो कैसा नंबर है? ये भी रेशियो नंबर। तो अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है रेशियो नंबर के अंदर ही जीरो, जीरो कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है या अदर? अदर क्या होगा? इरेशनल। रेशनल है कि इरेशनल है? तो आपको बताया गया डेफिनेशन। रेशनल नंबर क्या होता है? पी अपॉन ए क्या की फॉर्म में हो बट क्या नॉट इज इक्वल टू जीरो। उसी प्रकार से जैसे मैंने टू को लिखा था टू बाई वन, तो हम जीरो को लिख सकते हैं, जीरो बाई वन भी लिख सकते हैं, जीरो बाई टू भी लिख सकते हैं, जीरो बाई थ्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसके हैं ये जीरो? जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब लिख के देखिए पी अपॉन क्या की फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिए क्या की वैल्यू कितनी है? थ्री है। पी की वैल्यू कितनी है? जीरो। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि पी जीरो हो सकता है लेकिन क्या जीरो नहीं हो सकता। पी अपॉन क्या की फॉर्म में बट क्या इक्वल टू जीरो, क्या जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ ये पूछा जाए मैंने आपसे कि जीरो बाई वन, हम जीरो को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वन अपॉन जीरो नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वन अपॉन जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉट डिफाइंड, उसको लिखा जाता है इन्फिनिटी पे लिखा जाता है। वन अपॉन जीरो, किसी के नीचे जीरो आ जाए क्या बोलेंगे उसको? नॉट डिफाइंड बोल दो या इन्फिनिटी बोला जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए जीरो को ये नहीं लिख सकते, बता रहा हूँ बता रहा हूँ, जीरो को हम ये नहीं ले सकते हैं। पी कितना है? वन है। क्या कितना है? जीरो। ये रेशियो नंबर नहीं है, वन अपॉन जीरो रेशियो नंबर नहीं है, जीरो बाई वन रेशियो नंबर है, ठीक है। तो जीरो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जीरो बाई वन, जीरो बाई टू, जीरो बाई थ्री। और जीरो को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जीरो अपॉन वन अपॉन जीरो की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जीरो अपॉन वन की फॉर्म में वो इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो एक डेफिनेशन ये भी होता है कि जो रेशियो नंबर होता है पी अपॉन क्या की फॉर्म में होता है बट क्या अमाउंट इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद दूसरा आता है, एक डेफिनेशन भी होता है
जो हम तो लिखते हैं 2 बाई 3 कैसा नंबर है, रेशियो नंबर। इसको मैंने डिवाइड किया तो डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.666 अप टू इंफिनिटी तक जाएगा, यानी ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, बार बार 6 पे जाएगा, ठीक है। और मैंने ऐसा नंबर भी लिख दिया आपके पास 15/3 कैसा नंबर है, डिफरेंशियल नंबर है, क्योंकि मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 5/5, या कोई भी डाल दो 2/5 कैसा नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो देखिए 2/5 को मैं डिवाइड करूंगा तो किसी फॉर्म में आ जाएगा आपके पास 0.4 आ जाएगा। तो यहां देखिए कंप्लीट डिवाइड हो गया, यहां भी नंबर कंप्लीट डिवाइड हो गया, 2/4 आएगा ना, ये कंप्लीट डिवाइड होने के बाद कितना आया 0.4 आया, लेकिन ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या लिखा गया इसको 0.666 अप टू इंफिनिटी तक ये चलता जाएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर कौन से होंगे, जो कंप्लीट डिवाइड होंगे वो रेशनल नंबर होंगे, जो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो लेकिन पॉइंट के बाद क्या हो रिपीट हो वो भी क्या होंगे, रेशनल नंबर ही होंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, ये कौन है क्या होती है। इसके अलावा आता है, अब मैंने बोला है जो डिवाइड होगा वो रेशनल है और जो डिवाइड नहीं होगा रिपीट होगा वो भी क्या है, रेशनल ही है। तो क्या दूसरा क्या होगा, इरेशनल नंबर, कौन सा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन सा होगा जो डिवाइड भी नहीं हो और रिपीट भी नहीं हो आपके पास। फॉर एग्जाम्पल √2, √3 इनकी जो वैल्यू आती है रूट थ्री की वैल्यू 1.7324 समथिंग ऐसा कुछ आ जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, 1.73245 ऐसा कुछ आ जाएगा, सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ देखिए कोई रिपीटेशन भी नहीं है दोनों का, कि पॉइंट के बाद कोई रिपीटेशन हो जाए, जैसे पॉइंट के बाद 666 था आपके पास, इसी पॉइंट के बाद देखो रिपीट नहीं है कोई, ठीक है। तो क्या रिलेशन में क्या बताया हमने, जो डिवाइड भी नहीं हो और पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं हो, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। हाँ, √4 कैसा नंबर है, √4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, रूट से बाहर कितना आ जाएगा 4, 2 आंसर आ जाएगा, क्या है ये रेशनल नंबर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो रूट से बाहर आ जाए रेशनल है, रूट से बाहर की संख्या नहीं आएगी, यानी देखो रूट से बाहर का स्क्वायर नहीं होगा ना ये, ठीक है। और ये क्या है, 4 का स्क्वायर है 2 का, ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या नंबर है, इरेशनल नंबर, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए व्हाइल टू और फॉल्स के बारे में पूछा था, जैसे एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, और पूछा गया है एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर नंबर। तो यहां देखिए एवरी इंटीजर कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। पूछा गया है ये शब्द ट्रू है या फॉल्स है, क्या पूछा गया है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल। तो एवरी इंटीजर, इंटीजर क्या बताया गया था, तो नेगेटिव भी फॉर्म में हो पॉजिटिव भी फॉर्म में हो और विद जीरो, तो आपको बताया गया था जीरो क्या है, रेशनल नंबर है, वन भी क्या है, रेशनल है, टू भी, थ्री भी, अप टू इंफिनिटिव क्या है, सभी ये रेशनल नंबर है। अब माइनस वाले आ जाएंगे तो भी क्या होंगे, ये रेशनल ही होंगे, क्या होंगे, रेशनल होंगे, यानी भले ही माइनस आए या प्लस आए एवरी इंटीजर क्या होगा, वो रेशनल होगा। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, अब आपको बताया गया था एवरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है, जीरो भी,
वन भी है, टू भी है, माइनस वन भी है, सभी क्या है प्रश्न नंबर है, लेकिन ये इंटीजर भी है। दूसरा देखिए, टू बाई थ्री कैसा नंबर है, रेशनल है, लेकिन ये इंटीजर में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि अपॉन में आ गया, टू बाई थ्री कंप्लीट डिवाइड भी हो रहा है, पॉइंट टू में आ रहा है। ठीक है, तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है, जीरो के बाद कैसे नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, और जीरो से इस तरफ भी माइनस वाई तरफ स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या हो, के ऊपर मैं प्लस का साइन लगा दूं, जैसे मैंने इंटीजर के ऊपर लगाया था प्लस का, तो प्लस वाला इंटीजर थे, माइनस वाला साइन लगाया तो माइनस क्या आ गया। ठीक है, माइनस का साइन लगाया तो माइनस के इंटीजर आ गए, प्लस वाला साइन लगाया तो प्लस के इंटीजर आ गए। ऐसे इसी प्रकार है, इसमें क्या हुआ, प्लस का साइन लगाया तो क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव रेशनल। ठीक है, और नेगेटिव वाला लगाया तो नेगेटिव रेशनल। पॉजिटिव रेशनल कौन से होंगे, जो प्लस की फॉर्म में आए, जैसे प्लस की कोई संख्या बोल दो, 2 बाई 3 है, 1 है, 2 है, 5 है, 1.4 है, 1.6 है, ये सभी क्या है, पॉजिटिव रेशियो। ठीक है, इस प्रकार से माइनस, इसके आगे माइनस का साइन आ जाए, जैसे माइनस 1 बाई 2 है, माइनस 3 बाई 4 है, माइनस 5 बाई 6 है, कैसा नंबर आपके पास, ये नेगेटिव रेशियो नंबर। कैसा नंबर है, नेगेटिव रेशियो। ठीक है, तो अभी आता है इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कि 22 बटे 7 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। ठीक है, और इसी प्रकार से आप सोचेंगे यार क्या होगा, जो p अपॉन q की फॉर्म में हो कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर। p कितना है, 22 है, एंड q कितना है, 7 है, यानी कहने का मतलब क्या है, ये एक रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन एक मैथ के अंदर एक आता है पाई सर, कैसा आता है पाई। ठीक है, ये बताओ रेशनल है, ये क्या आ गया आपके पास, पाई के साथ कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो पाई कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, तो ये थोड़ा सोचने की बात है। वैसे तो हम बताएंगे कि पाई के साथ रेशनल है तो पाई भी रेशनल होना चाहिए आपके पास, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है मैथ के अंदर दी गई होती है, वो क्या लिखते हैं कई बार पॉइंट में लिखते 3.14 लिखा जाता है, और पॉइंट में नहीं लेते तो क्या लिखते हैं 22/7 लिया जाता है, विदाउट फ्रैक्शन वाली फॉर्म होती है, उसमें 22/7 लिया जाता है। तो 22/7 रेशनल है, और मैं बोल रहा हूँ पाई कैसा, पाई भी रेशनल होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, क्योंकि जो पाई की जो वैल्यू होती है 3.14567 समथिंग आपको इन्फिनिटिव ऐसा ही कुछ आएगा, और तो 22/7 की जो वैल्यू होती है ये क्या है 3.14345 ऐसा ही अप टू इनफिनिटिव ऐसा ही कुछ आएगा। तो इसमें बताया गया है कि जो दोनों वैल्यू है वो कुछ ना कुछ लगभग सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, एग्जैक्ट सेम नहीं है आपके पास, बस मिलती जुलती है, कुछ ना कुछ सेम है, यानी पॉइंटों में तो है आपके पास। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये 3 point something है, इसको बोल सकते 3 point something है ये भी, लेकिन पॉइंटों का फर्क है इसमें, ये तो पाई के साथ कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो पाई की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो कंप्लीट डिवाइड होके नहीं आएगी, और ना ही रिप्लेसन होगा वहां पे 3.14561234 आपको जो भी है इंटरेटिव ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है,
तो 1.345 है, आपको इन्फिनिटी वैसा ही कुछ चीज में आएगा। ये क्या है? इरेशनल नंबर है, और बाइनरी में साहब कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो पाई की वैल्यू है ये वाली, वो इस 22 में साहब वाली वैल्यू क्या आई है? वो थोड़ा नजदीक आई है इसके, तो इसलिए मैथ के अंदर पाई की वैल्यू क्या लिया जाता है? 22 में 7 लिया जाता है इसके साथ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है 22 में 7 रेशनल नंबर है, बट पाई का जो नंबर है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हो गया आपके पास, वो नंबर हो गया नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो भी रेशनल है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो बट रिपीट हो वो भी रेशनल है। तो दूसरा क्या था? इरेशनल नंबर, जो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो न ही रिपीट हो आपके पास, वो कैसा नंबर है? इरेशनल। उसके बाद आता है आप रियल, रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? ये सभी के सभी रियल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? रियल नंबर के फॉर्म में है, वो नंबर भी रियल होते हैं। एवरी इंटीजर ये भी रियल होते हैं, एवरी रेशनल नंबर ये भी रियल नंबर ही होते हैं। आप कुछ भी डाल दो, 2, 3, 4, 1/2, -1/2, 1.4, 1.5, एवरी। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि सभी रियल नंबर है, तो रियल के अलावा अपोजिट शब्द दूसरा क्या होगा? तो रियल के अलावा एक शब्द होता है इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। तो आपको ज्यादातर जो 10th तक जो बताया जाता है, 9th और ज्यादातर 10th क्लास में बताया जाता है, वो बताया जाता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर नहीं आता आपके पास। चैप्टर के नाम भी है रियल नंबर, जैसे 9th क्लास में रखा है, तो इस तरीके से भी आ चुके हैं आपके पास, लेकिन अब तक ये नहीं आया होगा 10th क्लास तक आपके पास इमेजिनरी नंबर। ये आपके आता है 10th के बाद 11th और 12th क्लास का इमेजिनरी नंबर। तो सभी सभी रियल हो गए, तो रियल के अलावा मैंने क्या बताया है? अपोजिट होता है इमेजिनरी नंबर, जो यानी रियल को नहीं होता उसको छोड़कर। ठीक है, तो वो कौन से नंबर होते हैं? तो कोई संख्या रूट के अंदर माइनस में आ जाए, वो कुछ भी हो, -1, -2, -3, कुछ भी हो। ठीक है, तो उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर कोई संख्या नेगेटिव में आ जाए वो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। और बाकी सभी क्या है? रियल ही है। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर, सभी सभी क्या है? ये रियल नंबर ही है। ठीक है, तो रियल नंबर के अवॉइड होता है कौन सा? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे? जो रूट के अंदर माइनस की फॉर्म में आ गया, माइनस रूट के अंदर आ गया माइनस 2, तो माइनस 2 को हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं। तो माइनस रूट 1 में जो वैल्यू होती है उसको आयता लिखा जाता है, लेकिन ये प्लस 1 भी आएगा। ठीक है, तो प्लस 1 तक तो 10 तक तो यही था आपके पास, ये प्लस 1 प्लस 2 में आ जाता है इमेजिनरी नंबर का। आपके पास ये चैप्टर भी दे रखा है, फिफ्थ चैप्टर के अंदर प्लस 1 में दे रखा है इमेजिनरी नंबर। बाकी तो आपको बताया होगा कौन से होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, इनके बारे में। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 10। ठीक है, और नंबर जो 2 से डिवाइड ना, जो 2 की टेबल में ना, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू इनफिनिटी। ठीक है, एक नंबर और भी होता है, कौन सा है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन सा आ जाएगा? जो किसी से भी डिवाइड ना हो एक्सेप्ट
वन को छोड़कर और खुद को छोड़कर जो किसी भी नंबर से दूसरे से डिवाइड ना हो वो क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा। जैसे टू है तो किसे डिवाइड होता है, खुद से होगा या वन से होगा, ठीक है। थ्री है, थ्री भी वन से सभी होते हैं जो खुद से डिवाइड हो, वन से सभी होंगे जो खुद से डिवाइड हो यानी दूसरे से डिवाइड ना हो क्या आ जाएंगे, प्राइम नंबर पे, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, टू थ्री फाइव सेवन, यहाँ पे नाइन नहीं आएगा, नाइन कैसे नंबर है, और नंबर है प्राइम नंबर नहीं, क्यों, क्योंकि नाइन के फैक्टर हो सकते हैं, नाइन के फैक्टर हो सकते हैं, प्राइम नंबर के फैक्टर नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो नाइन नहीं आ रहा, कौन कौन से आएंगे, टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन, फिफ्टीन भी नहीं आएगा, सेवनटीन आएगा, नाइन भी आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिसके फैक्टर नहीं हो सकते उसको क्या बोलेंगे, प्राइम, ठीक है। तो ये था आज के लिए, आपके पास क्या क्या बताया गया है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, इंटीजर के अंदर ही बताया गया है कौन कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर टेन के बाद आएगा ये बताया गया। तो आज के लिए तो हम आपको वैसे वीडियो डालेंगे, ये लाइव आपका मंडे से या ट्यूजडे से हो जाएगा, तो लाइव में ये होता है कि जो आपको प्रॉब्लम है मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ समझा रहा हूँ उसमें यदि आपको डाउट है तो आप प्रेजेंट टाइम उसी टाइम पे आप पूछ सकते हो कि हाँ सर मुझे ये डाउट है, ये मेरे समझ में नहीं आया, यहाँ से नहीं आया। लाइव क्लास में ये फायदा हो जाता है और वैसे आप कॉन्टेक्ट नहीं कर पाओगे कि आप बताओ सर जैसे लाइव खत्म होने के बाद बताया जाए, उसका बाद नहीं बताया जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो कल से हम, कल से नहीं मंडे से या ट्यूजडे से हम आपको सभी को बता देंगे कि लाइव में जो बताया जाएगा आपके पास कौन सा चैप्टर कराना है, टेंथ क्लास का, नाइन्थ का, इलेवंथ का, ट्वेल्थ का, दोनों के आपके पास होगा, जिस जिस क्लास में आप उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा, ठीक है।